जिन राय एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और अहिंसा के रास्ते कैंप्स के संस्थापक हैं। 1972 में मुंबई में उनका जन्म हुआ और सचिन ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद MBA करने पर उन्होंने कुछ साल कॉरपोरेट दुनिया में काम किया। अब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और पार्टी में कार्यकर्ता प्रशिक्षण की जिम्मेवारी निभाते हैं। सचिन स्वराज, सत्य और अहिंसा के संबंध पर शोध करते रहते हैं और जनवरी 2018 से अब तक उन्होंने 25 अहिंसा के रास्ते कैंप किए हैं सेवाग्राम आश्रम में, जिनमें अन्य प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुआ करते हैं। नमस्कार सचिन जी, वेलकम। अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। तो आपकी बचपन की याद से शुरू जी, बहुत 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 धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत आपके बचपन की याद से शुरू करते हैं कि सबसे पहली क्या याददाश्त होगी आपकी, अहिंसा के असूल या उसके अनुभव की? अहिंसा नाम का कोई चीज मतलब मेरे कोई परवरिश में या परिवार में कोई गांधीवादी या कोई सामाजिक काम वगैरह में जुड़ा नहीं था, तो ऐसे कोई अहिंसा या सत्याग्रह, सर्वोदय वगैरह चीजें जो किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे वहीं तक सीमित। लेकिन मेरे परिवार में एक न्याय का जो एहसास है, न्याय का, न्याय के प्रति सम्मान जो है, वंचितों के प्रति, न्याय के प्रति, सत्य के साथ खड़े रहने के प्रति जो सम्मान है, वो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता द्वारा मेरे भीतर बसाया हुआ था। तो मेरे ख्याल से बचपन में केवल इतना ही एहसास, कोई फॉर्मल रूप से नहीं था, औपचारिक रूप से नहीं था, वो तो एक एहसास था कि न्याय, हक, सच्चाई के साथ खड़े रहने में एक शान है, वो एक कहीं ना कहीं दिल में बसा हुआ था। और फिर बड़े होने पर आपकी ये शिक्षा के कारण ये जो आपकी प्रवृत्ति थी न्याय के प्रति एक रुझान होने की, वो शिक्षा के कारण हुई कि जो आपने समाज में आपके अनुभव हुए उनके कारण? मेरे माता पिता के जो उनके जो एटीट्यूड्स उससे हुआ। मुझे कभी भी मेरे पिताजी ने खास करके सुरक्षित रहने को नहीं कहा जीवन। उन्होंने हमेशा कहा कि सच रहो, सुरक्षित मत रहो, और हर चीज पे वो उस पे जोर डालते। तो कहीं ना कहीं वो एक बात बैठ गई कि सुरक्षित रहना जीवन में जरूरी नहीं। एक मतलब आई गेस एट दैट एज इट वाज ऑलमोस्ट एन एरोगेंस, शान है सच्चाई के साथ खड़े रहने और त्यागने में उसके लिए। तो ये सारी चीजों के साथ भी जुड़ी थी वो, कि एक शान है कि सच्चाई के साथ इंसान खड़ा है और सच्चाई के साथ मर मिटने की जो तैयारी है उसमें एक शान नजर आती है। वो बहुत गहरे रूप से, सो माय एस्पिरेशंस वर शेप्ड दैट। हाँ, ये परवरिश की बात की, ऐसे कोई औपचारिक रूप से किसी ने समझाया नहीं अहिंसा के बारे में, लेकिन एक न्याय के प्रति भूख और जीवन में एक जीवन ऐसा हो जिसमें न्याय के लिए संघर्ष लड़ा जाए या सत्य के साथ रहने में एक जो शान है, वो बचपन से मेरे भीतर बसाई गई। तो यही अर्ली लाइफ रिफ्लेक्शंस, दिस इज एज क्लोज एज आई गॉट टू अहिंसा। देयर इज नथिंग एल्स दैट आई हैव मिस्ड इट एज सच। एंड देन as a grown up you went the usual kind of professional track, am I right? You were in the corporate sector. uske baad to aur aisa koi cheez nahi hua mere khayal se, ahimsa ke upar vichar sahi taur pe agar us shabd ke upar ya us philosophy ke upar ya wo abhyas ke upar, ahimsa mere liye abhyas hai, shabd ya philosophy nahi hai, लेकिन अहिंसा के अभ्यास के ऊपर विचार पहली बार मैंने शायद 32 साल की उम्र तक होगी। उसके पहले कभी उस चीज के ऊपर मैंने गौर नहीं किया है या उसका कोई भी किस्म का एक्सप्लोरेशन नहीं किया। तो बिल्कुल मेरा ट्रैक बिल्कुल
स्टैंडर्ड मिडिल क्लास प्रोफेशनल का ट्रैक था इस देश में। 94 में इंजीनियरिंग खत्म की कैंपस, वो हम वो जनरेशन के थे जिनको पहली बार कैंपसेस में नौकरियां मिल रही थी। कैंपस में आईटी का नौकरी लग गया, एक साल के अंदर बाहर विदेश घूम रहे थे, उसके लिए 7-8 साल वो काम किया, फिर उससे पक गए। ये सोचा कि ये जीवन भर अगर ये 40 साल और करना है तो हम नहीं झेल पाएंगे। तो माय सेंस इज दैट वो मेरा सबसे पहला क्राइसिस ऑफ, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक बड़ा शब्द है, लेकिन एक क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस मैं उसको, मेरे 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 शब्द उसके लिए एक सर्च फॉर रेलेवेंस होता था। अभी हालांकि अलग मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उसको अगर मैं उस जमाने में मैं उसको मैं सर्च फॉर रेलेवेंस बोलता। तो लगभग 28 साल की उम्र लगभग, आई हैड अ सन आल्सो, लड़का भी हुआ था, 7-8 साल वो सब चीजें किए थे जो एक साधारण परिवार भारत में बहुत एस्पिरेशन के साथ सोचता है, लेकिन उसमें कुछ मेरा आई कुडंट सी माई सेल्फ डूइंग इट, बड़ा खोखलापन उसमें महसूस। तो पहला क्राइसिस के बाद मैंने सोचा कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो सही हूँ लेकिन गलत फील्ड में। मैंने सोचा एक MBA कर लूँ तो फील्ड बदल के फिर कुछ और शायद मिल जाए, अलग मजा का साधन मिल जाए, इन सम अदर फॉर्म ऑफ ग्रेटिफिकेशन टू ब्रिंग। MBA किया, उसके बाद मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जो अगेन क्वाइट यू नो बहुत एस्पायर करते हैं जो लोग MBA भी करते हैं, वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग और फॉर्च्यून 500 कंसल्टिंग वगैरह करना चाहते हैं, वो भी करके देख लिया, लेकिन खोखलापन तो उसमें और ज्यादा मुझे नजर आया। मुझे कोई तुक नहीं समझ में आया कि एंड इसके बारे में मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो वो जो रोजमर्रा उसमें जो किया जाता है उसमें झूठ इतना कूट कूट के भरा मुझे नजर आया मेरे काम, कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए क्या पैसा दिया जा रहा है, उसका वैल्यू मेरे लिए या इस कंपनी के लिए, इस दुनिया को छोड़ दो मेरे लिए या कंपनी के लिए क्या है, ये भी मैं नहीं कह पाता। तो वो जो जाहिलियत, वो जो झूठ इन अ सेंस उस एग्जिस्टेंस में है, वो मुझे आई कुडंट हैंडल दैट, वो मुझे झेलना बहुत कठिन हुआ। और उस समय में इन अ सेंस एट द कॉर्नर ऑफ वन आई वन सीज थिंग्स, है ना, एक आंखों के कोने में कुछ चीजें नजर आती है। तो उसी टाइम पे मैंने MBA के दौरान कुछ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रिसर्च किया और पहली बार भारत के गरीबों के बीच में काम करने का मौका मिला, और उनके बीच का जो सामाजिक ताना बाना है, उनके बीच के जो रिश्ते है। ये किस साधन से हुआ? How did you get involved in this? Actually, मेरे MBA के, MBA जब मैं कर रहा था, मेरे एक प्रोफेसर थे CK प्रहलाद नाम के, वो एक किताब लिख रहे थे Fortune at the Bottom of the Pyramid नाम का। उनका 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 मतलब लक्ष्य ये था कि अलग अलग क्षेत्रों में जो इनोवेशन होता है और गरीबों को इनोवेशन के जरिए कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसके ऊपर रिसर्च था। तो उसमें एक जो केस था वो भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रोक्योरमेंट को लेकर था, तो उसको स्टडी करने में आया था यहाँ। वो पहली बार था कि मैं तो शहर में पला बड़ा हूँ मुंबई में, तो पहली बार मैं ग्रामीण भारत में मध्य प्रदेश के ग्रामीण भागों में घूमने का मौका मिला, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, मंडियों में घूमने का मौका मिला, और वो पूरा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ताना बाना समझने का मौका मिला। एंड वो जो कॉर्नर ऑफ द आई, छोटा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे लगा यार ये बहुत मजेदार चीज है, ये जो भी हो रहा है, ये पूरा जो सामाजिक रचना है वो बहुत ही मजेदार चीज है, और इसमें जुड़ने का कोई मतलब है, मतलब कोई दम है इस क्षेत्र, जो मुझे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में नहीं दिखा या अन्य कहीं विदेश में नहीं दिखा। मुझे लगा यहाँ पे अगर कुछ मजेदार काम हो सकता है, राइट, अभी भी कोई अहिंसा वगैरह की बात नहीं हुई थी। तो एनीवे आफ्टर माय MBA फिर मैं एक आध साल मैंने वो काम किया, हालांकि कंसल्टिंग का, और फिर मैं भारत लौटा। और उस दरमियान ये जो गरीबों के बीच में काम करने की जो समझ मुझे बढ़ानी थी, तभी मेरा अनुभव या मुलाकात फिर से एक बार महात्मा गांधी से हुई। और महात्मा गांधी से एक्चुअली इट वाज वेरी डिफरेंट बुक दैट स्टार्टेड इट। देयर इज अ बुक अ प्रोफेसर ऑफ माइन गेव मी कॉल्ड हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, a small collection of stories of people who've gotten the Ashoka fellows, and
नो एक साधारण सा बुक है, इट्स नॉट दैट, इट्स अ वेरी नाइस बुक, इट्स वेरी इंस्पायरिंग बुक, लेकिन उसमें मैंने गांधी की जिक्र दी, विनोबा की जिक्र देखी। एक्चुअली भूदान से प्रेरित था वो, जो जिसने वो जो लिखा है, आई फॉरगेट हिज नेम, उसने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम का एक पायनियर है वो, और उनका उनका इंस्पिरेशन विनोबा के भूदान से था। तो ये सारी चीज एज अ मिडिल अपर मिडिल क्लास इंडियन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, ये सारे लोग मेरे लिए मेरे मेरे दुनिया में बिल्कुल विदेशी थे, वो फॉरिन टू माय वर्ल्ड। तो विनोबा भावे के बारे में पढ़ने लगे, ऑब्वियसली फिर विनोबा से गांधी, और फिर गांधी ऑटोबायोग्राफी, और वहां पे फिर से मुझे पहली बार मुझे वहां पे मेरे जीवन के सफर में अध्यात्म, समाज और राजनीति, आध्यात्मिक काम, सामाजिक काम और राजनीति का जो मेल है, और जिसके बिगर एक जीवन का सफर नामुमकिन है, इसका एहसास मुझे वो किताब पढ़ के हुआ। और फिर ये अहिंसा वगैरह की तरफ का जो सफर था उसके बाद। पर ये करके आप बहुत आसानी से स्वयंसेवी संस्थाओं में जा सकते थे या किसी जन आंदोलन से जुड़ सकते थे। तो इन अनुभवों ने आपको राजनीति की तरफ कैसे जोड़ा और एक राजनीतिक दल की तरफ आपको कैसे लेके गए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है आपके अहिंसा के अगले दौर की। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं एक्चुअली मेरे लिए अहिंसा की परिभाषा जो है उससे भी जुड़ा हुआ ये चीज है। अहिंसा यानी सत्य को देखने का अभ्यास, ये अहिंसा है। सत्य को पहचान, सत्य को कबूल करने, देखने की भी नहीं, दिखता तो हर पल में है, सत्य को कबूल कर उसको अमल करने का उस पल में अभ्यास जो है वो अहिंसा है। ये मेरे लिए अहिंसा है। तो वो जो अभ्यास है, अगर उस अभ्यास का आप पाठ करो या उसका अभ्यास करो, तो कोई भी ढांचा अकाल नहीं है, सिर्फ सत्य अकाल। अकाल यानी टाइमलेस, टाइमलेस, राइट? तो सत्य, ओनली द ट्रूथ इज टाइमलेस। तो I mean, I don't want to again spiritualize this to the point, but I'll give you a very simple example, right? मैं बड़े साधारण से उदाहरण में ये समझाता हूँ। तो जैसे जैसे आपने कहा कि मैं समाज सेवी संस्था यहाँ यहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं वापस भारत आया, मैंने सोचा कि मैं ग्रामीण भारत या गरीब भारत के बीच में कुछ काम करना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं कि, एंड अगेन एट दिस टाइम आई डेवलप दिस डिसिप्लिन, क्योंकि मैंने बहुत साल, जहां तक मैंने आजमा के देखा था कि और लोगों ने तय किए किरदारों में मैंने बहुत समय ऑलरेडी बिता दिया था, और लोगों ने तय किया कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं बन गया, और लोगों ने तय किया कि पैसा कमाऊं, कमा लिया, और लोगों ने तय किया विदेश जाऊं, चला गया। तो ये सारे जो दुनिया ने मेरे लिए तय किए हुए ढांचे थे, उनको मैंने आजमा लिया था, और मेरा मोह भंग उससे हो चुका था। तो इसलिए जब मैं भारत भी वापस आया, ये सारे आइडियाज पहले लगा मुझे कि हाँ, आई कैन ज्वाइन एन एनजीओ, आई कैन ज्वाइन अ यू नो अ मूवमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन तब तक मेरे भीतर एक सिनिसिज्म था ना, एक सिनिसिज्म था कि किसी ने भी तैयार किया हुआ ढांचा जिसमें मुझे एक प्री सेट किरदार निभाना है, वो मेरा रास्ता इतने आसानी से मैं नहीं होने दूंगा, ये मैंने तभी तय किया, निश्चय हो चुका था। एंड देयर फोर एंड आई यू नो मोर आई थिंक अबाउट इट, द मोर आई वॉज राइट इन दैट सेंस। सी, देयर इज नो नो इंस्टीट्यूशन दैट इज ट्रूथ। ट्रूथ इज वॉट यू नो इन योर हार्ट एंड यू नीड टू डू एट दैट मोमेंट। तो वो जो है वो अक्सर वो मेरा गाइड है। मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हूँ, या मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, या मैं किसी रोल में हूँ, ये मेरी परिभाषा कभी नहीं हो सकती। एंड ये मैं इनफैक्ट एक्टिवली रेजिस्ट करता हूँ। दीज थिंग्स कैन नेवर डिफाइन, राइट? दे कैन एट बेस्ट बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, बट दे कैन नॉट डिफाइन एंड सर्टनली नॉट कंस्ट्रेन। ये 30-32 साल की उम्र तक मैंने तय किया। तो इसीलिए जो मैंने किया वो
वो मैंने सत्य को आजमाते हुए किया और कई सारी चीज तो सफर को चलते चलते राजनीति में चला गया वो, जो आज हम सब राजनीति कहते हैं। मतलब आप उसको राजनीति नहीं मानते? अगेन परिभाषा है सी, अगेन अगर आप मानो या ना मानो, मुझे आज इस पल में है वो मेरा सत्य है ना, तो मैं करूंगा। अभी अभी किसी ने पूछा कि आप राजनीति करते हो, ठीक है, अगर आप इसको राजनीति कहना चाहते हो, आपका आपकी मर्जी है, मैं तो वही करूंगा जो मेरा सत्य कहता है कि इस पल में काम मेरे लिए बना है। तो ये अगेन मैं ये जो कंपार्टमेंट्स है ए हाँ और बी हाँ और सी वगैरह जो है, इसको थोड़ा सा मैं रेजिस्ट करता हूँ। लेकिन ये राजनीति के बारे में सवाल है तो मैं गांधी के ही आत्मकथा के बारे में, एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है जो हमेशा मैं खोलता भी हूँ और जिसने मेरे मेरे को भी बहुत, मुझे भी बहुत इन्फॉर्म किया है। पहले एक दो पन्ने में वो कहते हैं कि वो केवल और केवल सत्य के शोध कर रहे हैं, उनका और कोई जीवन में मकसद नहीं, ना उनका समाज का सुधार मकसद है, ना उनका भारत को आजाद करना उनका प्राथमिक मकसद है, ना और कोई चीज उनका प्राथमिक मकसद है। उनका प्राथमिक मकसद केवल एक है कि वो अपने सत्य का, अपने सत्य को संपूर्ण रूप से पहचान पाए, समझ पाए, जी पाए। और वो जो भी और करते हैं वो उस ध्येय के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए करते। तो व्हाट एवर आई डू टू फुलफिल दिस इस स्टेटमेंट, टू एक्चुअली सी माई ट्रूथ फेस टू फेस। एंड इन द वेरी लास्ट पेज, आखिरी पन्ने में वो एक बड़ी बात कहते हैं कि अहिंसक राह पे चलने वाले के लिए एकमात्र पेशा खुला है, राजनीति। तो वो जो राजनीति की परिभाषा है वो मैं जीने का प्रयास, और वो राजनीति मतलब जब भी हम अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप को खोजते हैं, हम पाते हैं कि सामाजिक संबंधों के बाहर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं समझूं कि मेरे घर के बाहर जो भूखा बैठा है वो मेरा सत्य का हिस्सा नहीं है, तो ये मेरे अपने आप से मैं असत्य कह रहा हूं। तो अगर मैं सत्य का अभ्यास करता हूं तो ये मुझ पे, ये मेरे लिए अनिवार्य है कि उसके जीवन को मैं पहचानूं और उसके जीवन पे मेरा क्या प्रभाव होता है ये मैं पहचानूं, इनफैक्ट उसके जीवन को मेरा जीवन बनाऊं। ये सत्य की सफर का एक कदम है, इसके बिगर सत्य का सफर मतलब मानसिक विलास है या बौद्धिक विलास है, अभ्यास नहीं हो सकता। तो उस प्रक्रिया को मैं राजनीति कहता हूं, उसमें मैं जुड़ा। बहुत खूब। और फिर इस निश्चय को आपने कांग्रेस पार्टी में आपने कदम रखा, वो उस फैसले के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि अब हम सीधा वहां से आप कैसे अहिंसा के रास्ते पे आए? शैल वी गो स्ट्रेट टू दैट? नहीं, मैं आई कैन गिव यू अ ब्रीफ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो कांग्रेस मेरे लिए, जो कांग्रेस पार्टी, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत सच की सच बात बोलूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत सोच विचार करके कांग्रेस पार्टी को ही तभी जब मैंने चुना चुना। इन द सेंस दैट मैं एक साल, मैं भारत जब एक लौटा तो एक साल मैं अलग अलग क्षेत्रों में अपना रिसर्च कर रहा था, और महिला बचत गटों में और फिर अर्बन स्लम्स वगैरह में, अलग अलग जगह में भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहा था। और उस दरमियान कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स के संपर्क में मैं आया, और उन्होंने मुझे पूछा कि हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं राजनीति में, हम एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाना चाह रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने में लोगों की भागीदारी। और तब तक एक चीज मुझे बिल्कुल साफ नजर आई थी कि द बिगेस्ट फेलियर इन दिस कंट्री इज द फेलियर ऑफ इट्स पॉलिटिक्स, इज द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। गरीब के जीवन में सबसे बड़ा जो सेवा होता है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन द ग्रेटेस्ट सर्विस इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इन द लाइफ ऑफ पुअर पर्सन। एंड हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि गरीबों का बड़े पैमाने में आवाज, बहुत बड़ा वर्ग का कोई आवाज राजनीति में नहीं होता। ये सबसे बड़ा हमारा नेशनल फेलियर है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। और कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ने मुझसे बात की और उनका भी यही समझ था, उन्होंने कहा कि पूरा जीवन काल वो इसके लिए देने को निकल रहे हैं,
उनकी भी सफर तभी शुरू ही हुई थी। मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूँ, 2-3 साल पहले ही उनकी सफर शुरू हुई थी। और उन्होंने मुझे 2006 में सभी पहली बार मिला, तभी उन्होंने साफ बताया कि ये मेरा असेसमेंट है, ये जो पार्टिसिपेशन है भारत में, जो राजनीतिक सत्ता का जो जो चंग हाथों में, जो व्यवस्थापक रूप से चंग हाथों में केंद्रित है, उसको हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना, ये सत्ता को और उनकी आवाज को राजनीतिक प्रक्रिया में लाना, ये उनका विजन था। और जो मैं बिल्कुल समझा कि मेरे अनुभव के अनुसार भी यही सबसे बड़ी बड़ा काम है भारतीय राजनीति, तो इसलिए मैं जुड़ा उनके साथ और कांग्रेस पार्टी में मैंने काम करना चालू कर दिया। और आगे आगे जब मैं कांग्रेस पार्टी को समझा, तो ये भी मैं उत्तर और अहिंसा के रास्ते में भी मैं सेशन कंडक्ट करता हूँ कांग्रेस के बारे में, तो मेरे लिए कांग्रेस एक धारा है जो हजारों साल पुराना है, जो इस देश में बह रहा है, जो कुछ मूल्यों पे आधारित है, और एक मूल्य और सबका सर्वोदय सर्वोदय समाज बांधने की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको मैं कांग्रेस कहता हूँ, और वो मेरे लिए कांग्रेस है और उसी में मैं काम। तो अहिंसा के रास्ते नामक कैंप करने का विचार आपको कैसे आया, वो कहानी कहाँ से शुरू हुई? तो 2014 में ऑब्वियसली एक बहुत कठिन राजनीतिक दौर 2014 से हम पे, एक्चुअली 2014 को मैं कहूंगा 2014 को शुरुआत नहीं हुई, मेरे अनुभव में उसके पहले इसके आसार नजर आ रहे थे। एंड लेकिन 2014 में चुनाव का एक बहुत नतीजा जो निकला वो हमारे पार्टी और हमारे विचारधारा के लिए बहुत इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी फॉर अस फॉर मी पर्टिकुलरली। एंड एक 2014 में एक मंथन करना पड़ा कि हुआ क्या, कैसे हुआ और दर्द किस बात का। एंड मैंने मंथन किया तो मुझे यही एहसास हुआ कि दर्द, देखो चुनाव हारने का तो एक होता ही है, चुनाव हारने का एक दर्द होता है, एक राजनीति में फिटने का दर्द होता है, लेकिन इससे बड़ा दर्द ये था कि देश किसको कबूल कर रही, और व्यक्ति की बात नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति को अकाल नहीं मानता, मीन पीपल कम एंड गो, राइट, लेकिन देश इन एक्शंस को माफ करने को तयार है, किन किन कार्यों को माफ करने को तयार है, कैसे लोगों को कबूल करने को तैयार है, कैसे प्रवृत्तियों को अपनाने को तैयार है, ये मेरे लिए एक बहुत ही मेरे दिमाग में इसने एक बहुत बड़ा संकट पैदा किया, क्योंकि क्योंकि जितना भी मैं पूरा लॉजिक, और मैं अपना इंजीनियरिंग कभी तो हमेशा बोलता हूँ कि जड़ में मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं जो भी देखता हूँ मैं बड़ा सिस्टमैटिक रूप से देखने का प्रयास करता हूँ इन चीजों को, और मैं लॉजिकली मैं देख रहा था तो मैं ये समझ रहा था कि देखो अगर लोग कत्ल कबूल करते हैं या हिंसा को मांगते हैं, है ना, अपने लीडर्स में या अपने राजनीतिक व्यवस्था में या प्रतिनिधियों में हिंसा मांगते हैं, तो ये जो कांग्रेस का पथ, ये सर्वोदय का पथ, चलो कांग्रेस आपको हजम नहीं होता कोई बात नहीं, सर्वोदय की राजनीति, या मैं उसको संविधान की राजनीति भी बोलता हूँ, इसके लिए कोई रास्ता बचता नहीं है, ये एक कंक्लूजन मैंने निकाला। सो हियर्स व्हाट आई मीन, लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मोर। तो मैं इस पे इस नतीजे पे पहुंचा कि एक सामाजिक हिंसा या सामाजिक हिंसा या राजनीतिक हिंसा जो मैं कहूँ का एक आइडिया है। राजनीतिक हिंसा यानी क्या, अगर मैं मेरे राजनीतिक जीत को किसी और के दमन में देखूं तो मैं उसको राजनीतिक हिंसा का परिभाषा देता हूँ। एंड सो इफ आई माई पॉलिटिकल ग्रेटिफिकेशन कम्स फ्रॉम माई डोमिनेशन और सब्जुगेशन ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, देन दिस इज व्हाट आई टर्म एज पॉलिटिकल वायलेंस, राइट, यानी कि मैं अपनी जीत किसी और के हार या दमन में देखता हूँ। तो
अगर ये एक बार हमारे राजनीतिक मिक्स में आ जाता है, विचारधारा में, विचारों में, अगर एक बड़ा तबका किसी और का दमन चाहता है, तो फिर वहां से एक बड़ा लॉजिकल चक्र निकल आ जाता है। उसके बाद में तो राजनीतिक इंसान क्या बेचेगा? ऑब्वियसली दमन ही बेचेगा। आज इसका दमन, दूसरा दिन उसका दमन, और वहां से हम कहाँ जाएंगे? वो ऐसे दमन बेचकर अगर कोई सदन में बैठता है, तो नीति भी, राजनीति अगर हिंसक होगी तो नीति भी हिंसक होने लगे, फिर व्यवस्था भी हिंसक होने लगे, और एक चक्र जो चालू होता है उससे फिर इस देश को निकालना बहुत ही कठिन। तो ये जो राज ये जो तो ये मुझे सबसे बड़ा चिंताजनक बात ये लगी कि अगर ये जड़ में बैठ गया, अगर हिंसा यानी कि किसी और के दमन में मेरी जीत, ये बात राजनीतिक विचार लोगों के, समाज के, आम समाज के राजनीतिक विचार में बैठ गया, तो फिर जो चक्र चालू होगा उससे इस देश को निकालना, बचाना बहुत ही कठिन होगा। ये मुझे उस समय बहुत ही क्लियर रूप से नजर आने, और 2014 की क्राइसिस के बाद आ रहे, कन्फ्रंट करना पड़ा कि एक देश के बड़े हिस्से को एक्चुअली किसी और के दमन में अपनी जीत नजर आ। तो इसको मैं राजनीतिक हिंसा बोलता हूँ, और अहिंसा के रास्ते एक साझा फिर उससे निकला कि देखो सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए देखो उसके ऊपर एक और सवाल पूछना के ऊपर गौर कर किया मैंने कि चलो हिंसा है, हिंसा अगर लो एक तबका हिंसा चाहती है, लेकिन ये बदल क्यों नहीं पा रहा, ये बदलता क्यों नहीं है, या केवल एक ही पक्ष में है, या केवल एक ही जगह पे है। एंड अगेन गहरे रूप से आप देखो तो ये व्यवस्थागत, अभी हिंसा जो है उसका अपना एक राजनीतिक व्यवस्था पैदा हुआ है, करप्शन उसी का हिस्सा है, मैसिव सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण उसी का हिस्सा है, राइट? चुनाव में जो वायलेंस और मनी एप्लीकेशन होता है वो भी उसी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं एक हिंसात्मक राजनीति को जीवित रखने का एक पूरा व्यवस्था स्थापित हो चुका है, एंड वो व्यवस्था जो है दिन बर दिन मजबूत होता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर उसका हिस्सा है, राइट? मीडिया कैप्चर उसका हिस्सा है, बहुत सारी चीजें अभी उसमें जुड़ रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन का भी एक मायने होता है ना, एक आइडिया को एक्चुअलाइज करने में, यानी कि एक आइडिया को साकारने में इंस्टीट्यूशंस लगते, प्रक्रियाएं लगते, प्रोसेसेस लगते, और वो सब भी साथ ये हिंसक राजनीति को जीवित रखने में जुड़ रहे हैं। और जो अहिंसक राजनीति के लिए जो प्रक्रिया जरूरी है, जो इंस्टीट्यूशन जरूरी है, जो नैरेटिव जरूरी है, जो कहानियां जरूरी है, वो घटते जा रहे हैं, एंड उनको वापस बिल्ड किए बिगर हम अहिंसक राजनीति का सपना देख ही नहीं सकते। देखो मैं और आपने कह दिया कि हाँ, हम दोनों के जीत में इस देश की जीत होगी, वो एक चीज है, लेकिन अगर बाद में इसके तुरंत बाद दोनों के बीच में बांटने के लिए एकमात्र रोटी है, तो हिंसा वहीं से चालू होगी ना। तो ये अगर हम ये अहिंसा और अहिंसा सिर्फ एक ख्याली लेवल पे नहीं हो सकता, या एक पर्सनल अभ्यास के लेवल पे भी नहीं हो सकता, सामाजिक तौर पे हिंसा और अहिंसा के लिए इंस्टीट्यूशंस, प्रक्रियाएं, नैरेटिव्स भी बनना जरूरी है, जो समाज को उस रास्ते पे, अहिंसक रास्ते, राजनीति के रास्ते में रख पाए, राइट? और ये जो चीज है इसने मुझे और झंझोड़ा, बिकॉज ये एक व्यक्ति या एक ख्याल या एक समझ है ना, अक्सर हम भारत में कहते कि नहीं वो ना समझ है इसलिए ऐसे करते, ये समझ की बात केवल नहीं होती, हमारे आपस के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमें बांध के रखते हैं, वो हमारे बिहेवियर को डिक्टेट करते हैं, वो हमारे व्यवहार, हमारे राजनीति को परिभाषित करते हैं, और अगर हमने उनको नहीं बदला तो ये राजनीति की जो दिशा है, जो हिंसक दिशा हो रही है, वो नहीं बदल। तो ये दो समझ बनी, एक हिंसक है, अहिंसक वापस लाना है। अहिंसक राजनीति यानी क्या? वो राजनीति जिसमें मैं अपनी जीत सबके जीत में देख, वेरी सिंपल, कि अगर आपके हार मुझे मंजूर नहीं है, कि मैं आप भूखे हो और मेरा पेट भरा है, ये मेरी अपनी जीत में नहीं देखूं, वो अहिंसक है।
मैं कुछ ना कुछ कल उठ के करूंगा जिससे आपका भी पेट भरे और मेरा, है ना। तो ये अहिंसक राजनीति की प्रवृत्ति वापस देश में लानी पड़ेगी, समझ वापस देश में लानी पड़ेगी। और उसके लिए सिर्फ वो ख्याली बात नहीं है, उसके लिए संस्थाएं, उसके लिए कहानियां, नैरेटिव्स, और उसके लिए प्रक्रिया है, प्रोसेसेस, पॉलिटिक्स में हमें वापस लाना पड़ेगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं, इट वॉज क्लियर टू मी दैट एक इंसान का तो काम कोई नहीं सकता, एक बहुत बड़े समाज का काम है ये, समाज का एक साझा काम है। तो इसके तरफ कैसे बढ़ा जाए, ये एक साझा मंथन करने के, अगेन इसमें कोई जादू की छड़ी निकलेगी, 5 चीज करेंगे सब कुछ बदलेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कम से कम इस सोच के बारे में, नंबर वन, ये सोच लोगों को सही लगता है या मैं अपना ही कुछ सोच रहा हूँ, ये समझने के लिए। नंबर टू, फिर ये सोच को साझा रूप से मंथन करके ये तय करना कि इसको आगे कैसे बढ़ाए ना। ये दोनों चीजों के लिए अहिंसा के रास्ते की हम शिविर हमने शुरू किया। सेवाग्राम क्यों? आपने ये तो ये तय किया कि ये सेवा, सेवाग्राम में हाँ, होगा? वो भी शांति भवन में, नहीं तालीम के शांति भवन। जो कुछ जगह कि ऐसे हैं, आजादी के तुरंत बाद बना और विश्व भर के एक शांति लोग वहां पे परिषद आके बैठते उसके लिए बना था। बहुत महत्वपूर्ण वो जगह है। हैं। मेरे ख्याल से आजादी की थोड़ा पहला बना था नई तालीम के टीचर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो विश्व, वो वर्ल्ड पीस हाँ, कॉन्फ्रेंस वहां पे उस समय हुआ, क्योंकि अब वो 1948 उन्होंने में प्लैक वहां वही लगाया हुआ। बोर्ड भी वहां पे। ये एक हमारे एक ट्रेजेडी, अभी मैं दिल्ली में घरों घर में बैठा हूँ और मैं बाहर देखता हूँ तो ये जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, मॉडर्न आर्किटेक्चर दिमाग बंद करने के लिए बनाया गया है। ये मेरा बहुत ही कंसिडर्ड असेसमेंट है। हमारे स्पेसेस जो है वो दिमाग बंद करने के लिए बनाए गए हैं, और बहुत कम स्पेसेस ऐसे बचे हैं जो दिमाग खोलने के लिए बनाए गए हैं। नई तालीम में मुझे हमेशा ये एहसास होता कि ये दिमाग खोलने के लिए बनाया गया। तो मुझे वो मुझे हमेशा एहसास होता है कि वहां जाता हूँ तो दिमाग खुलता है, छोटे बच्चे भी वहाँ खेलते हैं, स्कूल भी चालू होता है, तो हमें एक पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है कि हमारी क्या हैसियत है और अहम अहम क्या चीज है इस दुनिया में। तो हम अपने आप को भी इतना सीरियस नहीं लगते, हम जितना भी कोशिश करें बाहर, वो प्लेग्राउंड में 11 बजे जब भी चालू होता है तो उनका चू 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 चालू रहता है, तो वो भी एक हमारे लिए एक बैलेंस है कि हाँ एक्चुअली अहम क्या है जीवन में, हक किसका बनता है, ये सारी चीज वहां पे ध्यान रखता है। लेकिन सेवाग्राम आश्रम सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि वो अभी मेरे ख्याल से एकमात्र जगह है जहाँ पे मैं श्रमदान और स्वयं सेवा का के मूल्य को औपचारिकता के रूप से नहीं देखता। नहीं तो मैंने ये ऐसे शिविर अन्य कई जगह में करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी किसी को श्रमदान हो सकता है इसका इमेजिनेशन नहीं बचा है। या अपना बर्तन खुद धोकर हम रख सकते हैं और अपना झाड़ू पोछा खुद कर सकते हैं, ये सब हमारे अभी एक्सपीरियंस से बाहर चले गए। बाकी जो वेन्यूज सेटिंग्स जो है वहाँ पे एक स्टाफ होता है जो करता है, श्रमदान होता है तो औपचारिक रूप से कुछ घास वास गार्डन से निकालेंगे। सो ये दोनों चीजों के लिए मैं सेवाग्राम जाता हूँ, और ये सेवा और ये दोनों जो चीज है, ये जो गांधी जी का सीक्रेट मैं समझ गया हूँ कि ये सारे काम करने से वो अपने आप लोगों को अपने भीतर ले जाके छोड़ते थे। वो आई एम क्वाइट श्योर दैट दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही वुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ही वुड होल्ड योर हैंड एंड टेक यू इनसाइड योर सेल्फ एंड लीव यू देयर। फिर जो आपको मिला वो आपका सत्य है, तो ये जो सारे काम है, हमको लगता है कि हमारे जब हम शेड्यूल भी बनाते हैं तो हमको लगता है कि ये सारे काम तो बस वो फ्लेवर्स है, वो क्या उसको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, वो बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए। दोनों, आई कंप्लीटली बिलीव दैट ये मौन का जो समय है, अपना खुद बर्तन धोने का, रोज सुबह उठ के अपना काम करने का, सामूहिक रूप से रहने का, और सुबह उठ के 1 घंटा खड़ी और नॉन औपचारिक श्रमदान करना, ये सारे चीजें अपने भीतर जाने का रास्ता है, और एक्चुअली शिविर इससे बनता है।
इससे बनता, इससे इससे भूमि तैयार होती है, और फिर अंदर बैठकर जो आप अपने बारे में मंथन करते हैं, इससे शिविर बनता है। बाकी उसके ऊपर आप कुछ भी चर्चा करवाओ, ऐसे मानसिक अपने सत्य के करीब पहुंचे हुए लोगों के साथ आप कुछ भी चर्चा इफेक्टिवली कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई नई तालीम एंड सेवा का। तो अब तक आपने करीब कितने कर लिए होंगे? 20-25 ऐसे कैंप हो चुके हैं? 25 कैंप हो चुके हैं। और हर कैंप में करीब कितने लोग आते हैं? लगभग 40 लोग आते हैं। 40 इज अ टारगेट नंबर, कभी 2-4 कम हो जाते हैं, कभी 2-5 ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे हमने लगभग। और ये कौन है लोग जो इन कैंपों के लिए इतने दूर दूर से, क्योंकि जहां तक मुझे पता है सब अपने खर्चे पे आते हैं, और वहाँ जो भी थोड़ा बहुत खाने का खर्चा होता है वो भी वही उसको अपना योगदान से करते हैं, तो ये कौन है लोग जो इन कैंपों के लिए इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं? ये कैंप का मकसद, एक नोट है जो मैंने आपको भी भेजा था जब आप आए थे, कि कैंप का मकसद हम यही कहते हैं कि जिन लोगों को देश के हिंसात्मक रास्ते से चिंता हो रही, बेचैनी हो रही है, उन सभी के लिए एक साथ आके मंथन, साझा मंथन का ये जगह है। हम कुछ चीजों के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, कुछ आइडियाज के बारे में, इस देश की इतिहास और देश का आधार अहिंसक क्या था, क्यों कहा जाता है, संविधान क्या है वगैरह, और फिर हम अपनी चिंता करेंगे, अपने राजनीतिक अनुभव, अपने सामाजिक अनुभव की चिंतन करेंगे कि हिंसा क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, ये सारी चीजें हम साथ में मंथन करेंगे। तो इसलिए ये कैंप कोई पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के लिए भी खुला है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ, मैं इसका लोगों को ये नोट भेजता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे किसी को ना करने की इजाजत नहीं है। सॉरी, किसी को की धरती हो, ना बोलने की इजाजत नहीं है, है ना? तो कोई भी विचारधारा, पक्ष, जात, धर्म, मान्यता, जो भी आप कहे, किसी को भी ना कहने की इजाजत और किसी के पास राइट। केवल आप आएंगे तो हमारे 2-4 जो नियम है कि हम साझा खर्चा बांटते हैं उसमें, और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि आप श्रमदान करोगे। अगेन कोई भी चीज कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन औरों के लिए एक्सपीरियंस खराब जब तक आप नहीं करते हो, कोई भी रोक टोक किसी चीज का नहीं है। तो किसी के लिए भी खुला है, एंड बेचैन लोग आते जिनको आज के सामाजिक राजनीतिक, तो दो किस्म के मैं कहूंगा, एक जिनको समाज से बेचैनी है, और दूसरे जो अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, जो समझते हैं कि मुझे कुछ राजनीति में करना है, लेकिन राजनीति क्या है, क्या हो सकता है, कहाँ फंसा है, इसमें कैसे सफर होते हैं, समाज किस तरफ जा रहा है, मेरी भूमिका उसमें, अगर कोई धर्म, अगेन बड़ा लूजली अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन कोई राजनीतिक धर्म है इंसान का, एक राजनीतिक सफर में कोई धर्म हो सकता है, तो क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में जिनको क्यूरियोसिटी है, जिनको बेचैनी है, वो आते हैं। बेचैनी दो तरफ के होते हैं, दो किस्म के होते हैं लोगों, एक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की बेचैनी, देश के हाल की जो बेचैनी है उसको सोचने समझने के लिए आते हैं लोग, और दूसरा अपने सफर में फंसा हुआ महसूस होने की जो बेचैनी। राजनीतिक सफर बहुत ही, राजनीतिक या सामाजिक काम जो प्रासंगिक रूप से, जो प्रामाणिक रूप से करते हैं, अक्सर जीवन में बहुत बड़े बड़े विडंबनाएं, सेल्फ डाउट, क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल होता है, अस्तित्व का होता है, सामाजिक पहचान में होता है, परिवार में फंस जाते हैं, तो उस मुकाम में अक्सर इंसान को थम के जरा सोचना पड़ता है कि आगे क्या, अब तक क्यों, अब तक क्या, अब तक क्यों, आगे क्या, आगे क्यों, तो वो भी एक क्राइसिस होता है, बहुत लोग उसके साथ आते हैं, और कुछ लोग बस सचिन राव के बारे में सुन के आ जाते हैं, उनका भी स्वागत है ये भी सच्चाई है ना, लेकिन उनका भी स्वागत है जी, तो जी। सभी किस्म के लोग आते हैं, हर प्रदेश के लोग आते हैं, हर फील्ड से लोग आते हैं। इन सब के बीच में
मतलब ये जो इतने विभिन्न प्रकार के लोगों से अब आपका संपर्क हुआ इन कैंप्स के द्वारा, तो इन इंटरैक्शन से आपकी भविष्य, अपने पहले तो वर्तमान और भविष्य दोनों की दृष्टिकोण में क्या मतलब हाउ हैज इट अफेक्टेड योर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ नॉन वायलेंस, बिकॉज यू आर हैविंग वेरी एंड आई नो दैट सम ऑफ दीज पीपल मस्ट स्टे इन टच विद यू. No, there is I have completely, I mean, I didn't think about this 2-3 years back, but now I'm extremely clear about the nature of truth and non-violence in society. You know, we needn't concern ourselves with its relevance. Sorry, needn't so concern still, ourselves with? Its relevance. We needn't concern ourselves with the relevance of ahimsa or truth in society. I think that's a little presumptuous of us, you know, to do so. So, हालांकि 2-3 साल पहले मुझे पूछते तो हाँ मुझे चिंता होती थी कि क्या होगा देश का वगैरह, तो अभी मुझे वो कोई बिल्कुल चिंता नहीं है. इन द सेंस दैट ये सत्य को अकाल इसीलिए शायद कहा जाता है, सत्य अकाल, और ख्याल से इसीलिए कहा जाता है कि ये लोगों के दिल में समझ है. एंड सी आई टेल यू, मैं आपको ऐसे बताता हूँ रश्मि जी, कि जो लोग आते हैं, एंड मैं अपने ही जर्नी से इसको रिलेट करता हूँ, मुझे सत्य और अहिंसा की कोई पहचान अभी भी, मैं कहता हूँ, बहुत कम है. लेकिन तभी वो कोई चीज है, तभी मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने भीतर के दर्द का एहसास था. बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरा सफर चालू हुआ, जो अपने अस्तित्व का जो मुझे भय था, मेरे रेलेवेंस का प्रॉब्लम था, या असत्य को देखकर जो मुझे पेन, दुख, दर्द होता था मेरे काम में, ये सारे चीज उस चीज का लक्षण है कि सत्य को छोड़कर, समाज को तो नहीं पता मुझे, लेकिन इंसान का ज्यादा देर टिकना नामुमकिन है. आपके जीवन में जो क्या कहते हैं उसको, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, बेचैनी वो लाती है, सत्य को कबूल ना करना जो बेचैनी आपके भीतर लाती है, और ये भी मुझे नहीं पता कि सभी लोगों को ये होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो 1,000-2,000 लोगों से मैं मिला हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उन सभी में वो वाइब्रेशन है. वाइब्रेशन किस चीज का, यू नो, इट इज लाइक वो असत्य, असत्य स्पंदन. हाँ, वो स्पंदन में भी, यू नो, दैट्स राइट सर, वाइब्रेशन, यानी यू नो, अगर कोई बोल्ट सही फिट नहीं हुआ तो हिलता है ना, वो बराबर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो हिलता है, उसको मैं बोलता हूँ कि वो हिल रहा है, कड़कड़ कड़कड़ कड़ हो रहा है, यू नो, एंड वो उनको सोने नहीं दे रहा है रात को, वो पानी, वो जो ड्रिप होता है ना, वो बराबर टैप बंद नहीं हुआ, एक टप 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 पानी गिरता रहता है, आपको सोने नहीं देता रात. तो असत्य को मैं ऐसे देखता हूँ, एंड इन सभी में मैंने वो देखा है. इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि समाज में सभी के पास होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये मैं 100% बोल, और ये ऐसा नहीं है कि ये लोग सब सत्य के ज्ञानी हैं, कि जिन्होंने सब कुछ, यू नो, बहुत परम परम ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा कोई बात, कोई चीज नहीं, राइट? या इनसे अगर बिठा के पूछो कि अहिंसा की मुझे परिभाषा दो, तो वो क्या देंगे मुझे नहीं पता, राइट? या रोज अपने जीवन में हिंसात्मक काम करते होगे क्या? बिल्कुल करते हो, दैट्स ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल. लेकिन इन सब के दिमाग में वो जो टप 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 हो रहा है, वो उनको बेचैन कर रहा है, और वो इससे बाहर रास्ता निकल ढूंढ रहे, और रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं अहिंसक अहिंसक विचार पे ये लोग आएंगे ही. एट किस हद तक और कब, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन माय ग्रेटेस्ट रेवलेशन वाज, मेरी कोई जरूरत नहीं है सत्य और अहिंसा को. सत्य और अहिंसा कायम रहेंगे, वो अपने आप को कायम रखेंगे, मेरी उसके लिए कोई जरूरत नहीं है. तो उसके लिए कोई चिंता रह कर, करने की सत्य अहिंसा के लिए कोई चिंता करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. ये लोगों के भीतर का जो, हम आई थिंक इंसान का जो प्रवृत्ति है, कि वो ज्यादा देर उसे ना कबूल किए बगैर एक, एटलीस्ट एक तबका, आई डोंट नो अगेन अबाउट एवरीवन, एक तबका तो इस इंसानियत का को नकार कर ज्यादा देर चल नहीं सकता. वो अपना रास्ता ढूंढ,
I'm also very certain about that. फिर भी आप वो कैंप करते हैं और उस कैंप की एक अहमियत है तो हाँ नहीं नहीं बिल्कुल वो तो हाँ सर्टनली तो अब ये ठीक है आपने जो कहा कि सत्य और अहिंसा को हम में से किसी एक की उस जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है, लेकिन ये देखते हुए कि इस देश के करोड़ों नौजवान आपके कैंप तक नहीं शायद पहुंच पाएंगे, तो इन क्लोजिंग आप उनको क्या ऐसी कुछ अपने अनुभव से क्या आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे जिसको वो, क्योंकि देखिए ये जो आपने वो बहुत अच्छा वो बताया ना कि वो ढीला पेच या वो पानी की बूंद टिप टिप वाली जो बेचैनी है, वो मेरे भी बहुत, मेरा भी कम अनुभव है पर नौजवानों से जितना भी मैं मिलती हूँ मुझे भी उसका बहुत एविडेंस मैंने भी देखा है। तो इन नौजवानों को आप क्या अपने अनुभव से शेयर करना चाहेंगे जो वो अपने रोज की जिंदगी में कर सकें, या उनकी बेचैनी के लिए जो नॉट ए बाम नॉट ए आयोडेक्स बट ए एनर्जी बूस्टर के, क्योंकि देखिए मैं जो देख पा रही हूँ नौजवानों में एक बिल्कुल स्वाभाविक रुझान है अहिंसा के प्रति, लेकिन उनको लगता है अरे हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। तो ये जो भावना है इसके प्रति अगर आप कुछ उनको राय, उनको कुछ मदद, कुछ उनको एडवाइस अगर आप दें तो। आई थिंक दैट ये मैं सबसे बड़ा जो मेरा जो काम है राइट तो आपने कहा हिंसा के रास्ते का कैंप का अहमियत सबसे बड़ा अहमियत वैलिडेशन वैलिडेशन यानी कि वैलिडेशन का हिंदी शब्द मैं नहीं ढूंढ पा रहा। ये जो वैलिडेशन है कि आप अकेले नहीं हो, सत्य को जो आपने पहचानना चालू किया है वो आपका पागलपन नहीं है राइट। ये सबसे बड़ा विश्वास जो है, ये विश्वास कि मेरे आंखों से देखा हुआ सत्य को मैं नहीं इनकार करूंगा, इसके टिके रहना, इसके ऊपर विश्वास रखना, ये आसान नहीं होता लेकिन ये स्वराज का एकमात्र मार्ग, यही गांधी का स्वराज, कि हमारे सत्य को जीने का, हमें हम निर्भय होकर हम जी पाए अपना सत्य, इससे बड़ा स्वराज नहीं है, इसी में आनंद है जीवन का। तो और अकेले नहीं हुआ, मेरा एक ही लाइन हो, बिकॉज मैं फ्रेंकली बताता हूँ इसमें मर्रम की तो बात है ही नहीं, इसको कोई आसान करने का भी तरीका नहीं। सत्य का रास्ता जो चलना होता है उसको अगर मैं कहूँ कि आसान है बिल्कुल नहीं, और मैं कहूँ कि जादू की छड़ी है या ये पांच चीजें कर लीजिए या चल पाओगे, ऐसा भी नहीं। आपने भी देखा है, मैं भी देखता हूँ, बहुत कठिन रास्ता है और अक्सर बहुत सारे कंपल्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारी आ जाती है, तो ये सब उसको मैं गिल्ट ट्रिप भी नहीं करना चाहता कि अरे ये सब सब त्याग करके ये सब करना नहीं हो सकता है ना। तो लेकिन अगर हमने हर पल में वो सत्य को पहचानने की और उसको उसको कबूल करने की हिम्मत रखी तो उतना ही कोई किसी और से अपेक्षा कर सकता। आपका सत्य केवल आप जान सकते, आपके जो कंपल्शंस है केवल आप जान सकते हो, आप पागल नहीं हो, आप जैसा भी कोई जगह है कहीं और, समय में सब जग जाएंगे, यही एक विश्वास बनाए रखना पड़ता है। इन भावनाओं को जब आपका जो एक पार्टी के अंदर राजनीतिक जो आपका काम है, इन दोनों को आप कैसे जोड़ के रखते हैं, मतलब इज देयर अ फ्रिक्शन, इज देयर अ अदर मोमेंट्स ऑफ डिफिकल्टी फॉर यू टू बी बोथ इन मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड बी डूइंग दिस वर्क, और इज देयर अ कॉम्प्लीमेंटैरिटी दैट मेक्स बोथ पॉसिबल। हालांकि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं हूँ लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशनली बहुत सारी जिम्मेवारियां निभाता हूँ। कोई भी विरोधाभास जो है ये
हमारे अटैचमेंट से आता है। सो स्लाइटली स्पिरिचुअल आंसर, इट्स एन एक्सपीरियंस्ड आंसर, आई विल बी वेरी फ्रैंक, इट्स एन एक्सपीरियंस्ड आंसर। जिस दिन मुझे टेंशन होता है कि यार मैं ये कैंप करता रहा, पार्टी में कोई देखता है नहीं देखता है, इससे कोई पदोन्नति होगी या नहीं होगी, इसमें और कोई जिम्मेवारी मिलेगा या नहीं, तो ये विरोधाभास तो मेरे अटैचमेंट से आ गया। अगर मेरा सत्य कहता है कि ये कैंप करना है, लोग आ रहे हैं और ऐसे बातें करनी है, ऐसे काम करने हैं, और इसी में मेरा सत्य है, विरोधाभास तो इसी से आया कि नहीं यार ये करूंगा तो कल मैं कुछ पार्टी में भरूंगा, राजनीति में बनूंगा, तो जिस दिन छोड़ दिया विरोधाभास चला जाता। यू नो ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ दीज नेचर आई फाउंड, सो इट्स नॉट नाउ, इट स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो इन माय लाइफ। सचिन, यू वांट टू गो ट्राई टू सेव द वर्ल्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन योर किड इज 18 एंड ही नीड्स टू बी एजुकेटेड? You know, you want to go save the world, who's going to feed your family? Or you want to save the world, you know, when your friends are buying that holiday home up in, and you know, their second car, you know, you think you'll be able to still fit in social circle. And I'm saying all of these not because I'm making fun of them, it's because I experience the pain of each of these choices. Some point of time in my life, each one of them has troubled me, these questions, right? And I have felt either guilty or conflicted or felt a sense of loss when I walked away from them. So I'm no saint. But my point is that absolutely every single contradiction, every single conflict comes from attachment. And the moment you let go of attachment to one thing, suddenly to realize there is no conflict. And the moment I let go of attachment, I'm pretty much free to do whatever I want in my life. This is experienced. So there's no such thing as contradiction and conflict. It's attachments. That's what one has to work with attachment. And to recognize them, recognizing one's prisons, and be able to look past them, accept the truth of this moment, that practice is ahimsa. Thank you so much.